जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्य करने के लिए काफी शुभ होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के अवतरण का दिन भी माना जाता है। वहीं ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी के दिन से होली का शुभारंभ हो जाता है। चौराहों पर होलिका दहन के लिए लकड़ी एकत्र करने के बाद गुलाल उड़ाया जाता है, जो फागुन मास की पूर्णिमा तक उमंग के साथ लगातार चलता रहता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए अधिकांश पूजा सामग्रियां सफेद वर्ण की होती हैं। इसीलिए सरस्वती पूजन में सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, दही मक्खन, सफेद तिल, अक्षत, श्रीफल और तिल के लड्डू का उपयोग किया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश खुलता है। बसंत पंचमी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का दिन होने की वजह से पंचमी के दिन छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। स्कूलों एवं शिक्षा संकायों में सरस्वती पूजन किया जाता है तथा ज्ञान वृद्धि के लिए कामना की जाती है। वहीं गुरुद्वारों में इस दिन राग वसंत में गुरुवाणी के कीर्तन द्वारा श्रद्धालुओं में भावना जागृत की जाती है। अब बात करेंगे कि इस दिन माँ सरस्वती के अलावा और किनकी पूजा की जाती है। तो इस दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के अलावा राधा कृष्ण, कामदेव और देवी रति की भी पूजा की जाती है। इस दिन इन चारों देवों की पूजा का विधान है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में पारिवारिक प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता आदि में वृद्धि होती है। इनके साथ साथ भगवान गणेश, सूर्य देव, भगवान विष्णु व शिव पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो भी हमने आपको ये बताया कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है और साथ ही इस दिन माँ सरस्वती के अलावा और किन किन की पूजा की जाती है। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।